वॉटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर वॉट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर एट बॉटम इफ होल एनर्जी रिमेन्स इन वॉटर। तो यहां पर जो हम लोग पहले सीखते थे उससे थोड़ा अलग काम हो रहा, पानी अपना ऐसे ऐसे गिर रहा है। हम पहले क्या सीखते थे कि कोई पानी गिर रहा है, बॉल गिर रही है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh और यहां पे काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एमवी स्क्वायर। अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो है mgh, वो सब कुछ हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो mgh इज इक्वल टू mc डेल्टा t। अब हमें ये नहीं लगाना है, ये लगाना है। और अच्छा होता अगर क्वेश्चन में ये कहते वॉटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 500, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर एट द बॉटम इफ होल एनर्जी रिमेन्स इन द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो अच्छा रहता। लेकिन उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ हीट हटाकर और थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दिया। बट कोई बात नहीं, ऑप्शन देख के आपको समझना होगा कि भाई वो हीट में ही आना है, इसलिए ठीक है। अब यहां से m और m कट गया भाई, g जो है ये मतलब यार 9.8 ले रहे हैं, h जो है 500 है, और c m c वाटर का जो होता है वो 1 है, और डेल्टा t जो है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब c देखिए, अगर आप यहाँ पे c 1 ले रहे हैं तो क्या गलती हो रही होगी, है ना, ये प्रॉब्लम आपको समझनी चाहिए। 1 हम तब लेते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, c इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यार जब हम लोग mgh ले रहे हैं तो 9.8 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले रहे हैं, 500 भी हम लोग मीटर में ले रहे हैं, तो अब इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो 1 ये क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, अभी भी अपना काम नहीं बना, तो इसको बोलेंगे 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब सही बन गया, तो यानी कि हमें 1 ना लेकर यहां पे 4200 रखना पड़ेगा। अब बस यही हमें कैलकुलेट करना है, 9.8 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 4200, यही हमें राइज इन टेम्परेचर दे देगा। आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं बता देता हूं, 1 सी ऑप्शन आ रहा है ना, 1.16666 ऐसे आ जाएगा, तो उसको इन्होंने 1.16 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन एज यू हैव टोल्ड इज सी।